टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यानी कि जो पार्टनर्स बिजनेस के अंदर हैं, अगर वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी तरह का बदलाव करते हैं, किसी तरह का चेंज लेकर आते हैं, तो किस तरीके से ट्रीटमेंट होती है अकाउंटिंग बुक्स के अंदर। टॉपिक का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दो पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर उसमें से 30% शेयर लेता है, दूसरा पार्टनर 70% शेयर लेता है। बट अगर वो अब अपनी रेशो को चेंज करते हैं, पहला पार्टनर कहता है मैं 40% लूंगा, इसका मतलब है दूसरे पार्टनर का शेयर हो जाएगा 60%। तो यहाँ पर एक पार्टनर गेन कर रहा है और एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। इस केस में जो पार्टनर गेन करता है वो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को कुछ हिस्सा गुडविल का पे करता है। जैसे यहाँ पर एक बार ये वाला जो एग्जाम्पल है समझ लेते हैं। दो पार्टनर है, एक्स वाई रेशो है 4:1। फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड किया अब हमारी रेशो होगी 3:2। इसका मतलब है एक्स जो है अपना हिस्सा बेच रहा है, कितना हिस्सा बेच रहा है, 1/5 हिस्सा वो वाई को दे रहा है, क्योंकि पहले उसकी रेशो थी 4/5, अब रह गई 3/5। तो हमने डिफरेंस निकालकर देखा कि कितना हिस्सा उसने वाई को दिया। अब अगर कंपनी के प्रॉफिट दे रखे हैं यहाँ पर 1,00,000 रुपए, इसका मतलब है एक्स अगर 1/5 हिस्सा वाई को दे रहा है तो उसे 20,000 रुपए का नुकसान होगा, और वही 20,000 रुपए वाई के लिए फायदा है। अब यहाँ पर क्योंकि वाई जो पार्टनर है वो गेन कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो एक्स को कंपनसेशन देगा, उसको कंपनसेट करेगा। कैसे करता है कंपनसेट, जो फर्म की टोटल गुडविल होती है उसका करेगा 1/5, जितना उसने गेन करा रेशो के हिसाब से उतना गुडविल का निकालकर वो एक्स को पे करेगा। यहां पर गुडविल 1,00,000 रुपए थी, तो सॉरी गुडविल उन्होंने वैल्यू करी है 2,50,000 रुपए, तो 2,50,000 काम करेंगे 1/5 जो आएगा 50,000 रुपए। अब इस केस में वाई गेन कर रहा था और एक्स कर रहा था सेक्रीफाइस, तो यहां पर हमेशा याद रखिएगा एडजस्टमेंट एंट्री में वाई को जो कि गेनिंग पार्टनर होता है वो डेबिट होता है और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो क्रेडिट होगा। तो इस वाले एग्जांपल में जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और एक्स कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। अब इसको फर्दर एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे नीचे दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 20, ए बी दो पार्टनर है, उनकी रेशियो है 3:2। With effect from 1st April 2016, उन्होंने ये decide किया कि अब हमारी profit sharing ratio हो जाएगी equal, और जो company की goodwill value कर रखी है वो कर रखी है 30,000 रुपए, और pass करनी है हमें necessary journal entry। अब देखिए इस केस में क्या होगा, old ratio थी partners की 3:2, new ratio थी अब हो जाएगी new ratio 1:1। तो यहाँ पर हम क्या calculate करते हैं, सबसे पहले हमें check करना होता है sacrifice और gain कितना है। आप क्या करिए, इसमें फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। जब आप ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करेंगे तो आपको सेक्रीफाइस या गेन निकलेगा। जब मैंने ए का निकाला 3/5 माइनस 1/2 तो आंसर आया 1/10, यानी कि इतना ए सेक्रीफाइस कर रहा है। फिर मैंने बी का करा 2/5 माइनस 1/2, इसमें देखो 4-5 है यहाँ पर, यानी कि यह आएगा माइनस में। तो यहां पर ए पार्टनर कर रहा है मेरा सेक्रीफाइस और बी पार्टनर कर रहा है गेन। अब क्या करना है, आपने जो ये 1/10 आया इसको गुडविल से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन के अंदर गुडविल दे रखी थी हमारी 30,000 रुपए, तो हमने 1/10 किया 30,000 रुपए का, तो आया 3,000 रुपए। इसका मतलब है ए 3,000 रुपए सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब कि उसे वाई कंपनसेट करेगा, क्योंकि वाई या बी सॉरी इस केस में बी है वो गेन कर रहा है। तो गेनिंग पार्टनर हुआ बी और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हुआ ए। तो मैंने एंट्री बताई थी, मैंने कहा था कि गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना, तो जॉइन एंट्री बनेगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, तो 3,000 रुपए से हमारी एंट्री होगी। देखिए जब आप जर्नल एंट्री पास करेंगे एग्जाम में भी और कॉपी में भी, इस प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से अपने जर्नल एंट्री पास करनी है, रफली काम मत करिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बहुत आसान है, इसमें गुडविल पहले कैलकुलेट करनी है और उसके बाद सेक्रीफाइस गेन निकालकर यही काम करना है जो मैंने बताया है। इस क्वेश्चन के अंदर तीन पार्टनर है ये ध्यान रखिएगा, तो जब आप सॉल्व करेंगे दो पार्टनर यहां पर सेक्रीफाइस कर रहे हैं और एक पार्टनर गेन कर रहा है, तो जब आंसर निकलेगा तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ए और बी को हम कर देंगे क्रेडिट। ये आप खुद अटेम्प्ट कर लेंगे, ये आसान एग्जाम्पल है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, 22 भी बहुत ईजी है। देखिए पी क्यू आर तीन पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, उन्होंने अब आर को एडमिट करा कि इन फ्यूचर सॉरी
इन फ्यूचर उन्होंने ये डिसाइड करा जो आर है उसका शेयर होगा 1/5 और उस दिन फर्म की गुडविल है 3 लाख रुपए की पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। देखिए इस केस में सबसे पहले हमने लिखा ओल्ड रेशो लिखी हमने तीनों पार्टनर्स की 1:1:1 का मतलब होता है 1/3, 1/3, 1/3। फिर मैंने न्यू रेशो लिखी। अब ये न्यू रेशो देखिए कैसे निकलेगी, जो आर है उसका शेयर है 1/5 यानी कि मैंने क्या करा अगर मेरा टोटल प्रॉफिट 1 है टोटल प्रॉफिट में से मैंने क्या करा आर को मैंने 1/5 दे दिया। देखो मैं यहां पर आपको ये चीज करके दिखाता हूं टोटल प्रॉफिट अगर मेरा है 1 और रिमेनिंग का मतलब हुआ अगर टोटल प्रॉफिट 1 है उसमें से मैंने आर को दे दिया 1/5 तो मेरा जो बचेगा वो बचेगा 4/5। ठीक है अब जो ये 4/5 शेयर है ये किसका है, ये है पी और क्यू का क्योंकि आर को तो हमने बोला भी तेरे को हम 1/5 देंगे तेरे को साइड कर देंगे तो 4/5 को पी और क्यू आपस में आधा आधा बांटेंगे। पी और क्यू ने इक्वल कैसे बांटना है इसको 4/5 × 1/2 ये आएगा आपका 4/10 तो दोनों का यानी कि P का भी और Q का भी 4/10 आएगा तो 4/10 × 4/10 इसको आप अगर काटेंगे तो आएगा 2/5 2/5 तो इस तरीके से यहां पर ये 2/5 2/5 बना है जो कि P और Q का बना हुआ है तो जो नई रेशो बनेगी वो बनेगी 2/5 × 2/5 × 1/5। अब क्या करना है हमारे पास ओल्ड रेशो है हमारे पास न्यू रेशो है अब हमने क्या करना है सिर्फ सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट करना है तो पी का मैंने किया ओल्ड माइनस न्यू देखा मैंने देखिए यहां पर माइनस में आ रहा है पी का जिसका माइनस में निकलेगा इसका मतलब है वो गेन कर रहा है। सेम मैंने क्यू का कर लिया 1/3 − 2/5 इसका भी माइनस में आ रहा है तो ये भी गेन कर रहा है। आर का मैंने देखा आर का आ रहा है पॉजिटिव 2/15 तो आर कर रहा है सेक्रीफाइस। अब जॉइन एंट्री क्या बताई मैंने कि जो गेनिंग पार्टनर है उसको आपने डेबिट करना है तो पी कैपिटल डेबिट Q कैपिटल डेबिट टू R कैपिटल करना किससे है ये जो गेन सेक्रीफाइस करना है कंपनी की टोटल गुडविल से जो यहाँ गुडविल दे रखी है मुझे 3 लाख रुपए की तो मैंने क्या करा 3 लाख × 1/15 P में और ऐसे ही 3 लाख × 1/15 Q में और R का होगा 2/15 × 3 लाख तो 40,000। इस तरीके से ये जर्नल एंट्री कंप्लीट होगी। देखिए नेक्स्ट टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस करते हैं उस टाइम पर कंपनी में कुछ प्रॉफिट्स कुछ लॉसेस या कुछ रिजर्व्स वगैरह पड़े होते हैं उनकी ट्रीटमेंट करने के इस चैप्टर के अंदर दो तरीके सिखाए गए हैं। पहली चीज अगर पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस होगी उस टाइम पर जो रिजर्व्स वगैरह पड़े होंगे They are to be transferred to capital accounts. उनको capital account में transfer करना है उस case में क्या करना है आपको partner का capital account हो या current account हो जो भी case होगा उस case में आपको ये सारे के सारे profits losses partners के capital account में हमेशा old profit sharing ratio में transfer करने हैं। ठीक है देखिए इस type से इसकी entry बनती है ये वाली for transfer of reserves and accumulated profits रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे पी एंडल का क्रेडिट बैलेंस याद रखिएगा ये पी एंडल का क्रेडिट बैलेंस है ये भी डेबिट होगा अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है वो भी डेबिट होगा उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो भी डेबिट होगा कहने का मतलब है सारे के सारे प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को डेबिट और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट ध्यान क्या रखना है ये ओल्ड रेशियो में आपने ट्रांसफर करना है। उसके अलावा अगर कंपनी में प्रॉफिट्स की जगह पर लॉसेस दे रखे हैं तो एंट्री को आपने रिजर्व रिवर्स करना है। अब आप क्या करेंगे प्रॉफिट जो पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट है वो तो होगा डेबिट और ये जो लॉस है वो होगा क्रेडिट तो एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू पी एंडल अकाउंट याद रखना यहाँ पर डेबिट बैलेंस है
पिछली वाली जो एंट्री देखी थी उसमें पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस लिया था टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों एंट्री हमने सीख ली। अगर रिजर्व्स और प्रॉफिट्स रखे तो क्या करना है और लॉस हो तो क्या करना है, अब देखिए इसको समझते हैं। पर एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, उनकी रेशियो दे रखी है 4:3:2। 1 अप्रैल से उन्होंने डिसाइड करा अपनी रेशियो हम बना लेंगे इक्वल, तो ये 4:3:2 ओल्ड रेशियो है, ये जो इक्वल हो गई 1:1:1 ये न्यू रेशियो हो गई। और उस दिन उनकी बुक्स में ये चार चीजें हैं, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। अब सबसे पहला देखिए काम क्या करना है आपको, जर्नल एंट्री इन्होंने डायरेक्ट जर्नल एंट्री पास कर रखी है, बट यहां पर आपको जैसे हमने पिछले टॉपिक पे किया था कि सेक्रीफाइस और गेन निकालना है, बट ध्यान रखिएगा इस टॉपिक में आपको सेक्रीफाइस और गेन निकालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मैंने अभी एंट्री बताई थी, मैंने कहा था कि सारा की सारा काम ओल्ड रेशो में होगा, नई रेशो का यहाँ पर कोई काम नहीं है, हमारे काम आने वाली है सिर्फ 4:3:2। तो हमने क्या करना है, अब जॉइंट एंट्री बनाएंगे हम, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये जो तीनों का टोटल आएगा 1,20,000 प्लस 60, इस टोटल को करिए, इसका टोटल आपने क्या करना है, उनकी जो ओल्ड रेशियो है 4:3:2 इसमें बांट देना है, और ये तीनों पार्टनर का शेयर निकल आएगा 1,00,000 रुपए, 75,000 रुपए और 50,000 रुपए। ये तो हो गया आपका प्रॉफिट और रिजर्व बांटने की बात। बट अगर जैसे हमने यहां पर देखा था, अगर एक्युमुलेटेड लॉसेज हो या कुछ ऐसे आइटम हो जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, हमारे वाले क्वेश्चन के अंदर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है डेबिट बैलेंस, तो इसमें एंट्री हमने उल्टी करनी है। अब हमने क्या करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, एक्स डेबिट वाई डेबिट जेड डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, याद सिर्फ इतना रखना है, ये भी ओल्ड रेशो में करना है। तो जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की वैल्यू है 90,000 रुपए, इसको मैंने ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया 4:3:2 में, और मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगला एग्जांपल एक बार देख लेते हैं, ये भी बहुत इजी है। ए बी दो पार्टनर हैं, रेशो 2:1, अब उन्होंने डिसाइड करा कि हमारी रेशो हो जाएगी 3:2। उस दिन पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है, देखिए जब पी एंड एल का बैलेंस आप पढ़ें तो ध्यान रखना कि डेबिट दे रखा है या क्रेडिट है। क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट, डेबिट बैलेंस होता है लॉस, और अगर सिर्फ पी एंड एल लिखा हो तो आपने उसको हमेशा क्रेडिट बैलेंस मानना है, मतलब हमेशा प्रॉफिट मानना है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमें डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, सिंपल, पार्टनर कैपिटल को अब डेबिट करना है, पी एंड एल का डेबिट हो तो पार्टनर को डेबिट करना है, पी एंड एल का क्रेडिट हो तो पार्टनर को क्रेडिट करना है, तो उस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। तो यहां पर मैंने पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया और 2 मैंने कर दिया पी एंड एल, ओल्ड रेशो में इसको आपने बांट देना है, 40,000 ए का, 20,000 बी का और पी एंड एल का 60,000। अब यहां पर एक और टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूं, नया टॉपिक है ये भी, इसमें है कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा हो तो आपने उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। इसमें कुछ अलग अलग केसेस आएंगे आपके पास, जैसे सबसे पहला केस होता है अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है। इस टॉपिक में जाने से पहले ये समझ लेते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मीनिंग क्या होता है। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मीनिंग होता है, अगर कंपनी में वर्कर्स की तरफ से कोई क्लेम आता है कंपनी के ऊपर, तो कंपनी उसकी पेमेंट के लिए पैसा कहां से लाएगी। उस केस में कंपनी क्या करती है, अपने पास एक रिजर्व पहले से बनाकर रखती है, और जब क्लेम आता है तो उस रिजर्व में से कंपनी पेमेंट करती है। तो सबसे पहला केस है अगर कंपनी ने ये रिजर्व बना रखा है बट कंपनी के पास कोई भी क्लेम नहीं आया तो कैसे ट्रीटमेंट करनी है। उसके बाद आता है अगर क्लेम कम है रिजर्व के अमाउंट से, अगर क्लेम बराबर है रिजर्व के अमाउंट के, या क्लेम ज्यादा है रिजर्व के अमाउंट से। इसको हम सीधा एक एग्जांपल में चलते हैं, वहां पर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से ये वाला केस काम करता है। देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 26, पी क्यू आर तीन पार्टनर्स है, रेशो दे रखी है 3:2:1, और फ्यूचर में उन्होंने रेशो डिसाइड करी अपनी 4:3:2।
ये उनकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में रिजर्व उन्होंने बना के रख रखा है 60,000 रुपए, जिसका उन्होंने यूज करना है। अब देखिए पहला केस, क्वेश्चन कहता है अगर कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब हुआ कंपनी में किसी तरह का कोई क्लेम नहीं आया। तो जब ऐसा केस होता है तो आपने सिंपल ट्रीटमेंट करनी है, आप रिजर्व को, जो ये रिजर्व है पूरा 60,000 रुपए, इसे पार्टनर्स में बांट दीजिए ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री बनेगी मेरी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू पी क्यू आर, और ये ओल्ड रेशियो में जो कि दे रखी थी मेरे को 3:2:1, उस रेशियो में मैंने सारे के सारे रिजर्व को बांट दिया। अब अगला केस है, क्वेश्चन कहता है अगर कंपनी के ऊपर 24,000 रुपए का क्लेम आ जाए। अब क्लेम आया तो कंपनी क्या करेगी, इस 60,000 रुपए में से 24,000 रुपए तो डाल देगी क्लेम में, और जो बाकी पैसे बच जाएंगे वो पैसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड रेशो के अंदर। तो देखिए जो सेकंड एंट्री बनी वो कैसे बनी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट पूरा 60, उसमें से प्रोविजन फॉर क्लेम, क्लेम में डाल दिए मैंने 24,000 रुपए, और जो बाकी बच गए पैसे मेरे 36,000 रुपए, वो मैंने पार्टनर्स को दे दिए उनकी ओल्ड रेशो में। ये हो गया हमारा सेकेंड केस। थर्ड केस में देखते हैं, उसने बोला अगर जो क्लेम है वो भी 60,000 रुपए हो, यानी कि जितना मैंने रिजर्व बना रखा है उतना ही मेरा क्लेम है, तो मैं क्या करूंगा, अब सारा की सारा पैसा मेरे क्लेम में चला जाएगा, अब पार्टनर्स के लिए मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। तो मेरी एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 60,000 रुपए। अब लेते हैं फोर्थ केस। देखिए फोर्थ केस में क्या था कि जो क्लेम है कंपनी के ऊपर वो आया 75,000 रुपए का। अब कंपनी के पास जो रिजर्व है वो है सिर्फ 60,000 रुपए का, बट जो क्लेम है वो है 75,000 रुपए का। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, हमारा जो क्लेम है वो हमारे रिजर्व के अमाउंट से ज्यादा है। अब इस केस में क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैंने एंट्री बनाई, लिखा मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 60,000 रुपए। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कंपनी को 15,000 रुपए की पेमेंट एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, वो कंपनी को नुकसान हो रहा है। उसके लिए कंपनी क्या करती है, अपना जो नुकसान या फायदा होता है उसको एक अलग से अकाउंट बनता है, जिसको कहते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट, ये हम बाद में सीखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए, आपका जो नुकसान होगा वो आप रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट करते हैं, और जो फायदा होता है वो आप रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर मेरे पास सिर्फ 60,000 रुपए हैं, बट मुझे क्लेम देना है 75,000 रुपए का, तो 15,000 रुपए का मुझे नुकसान और हो रहा है। तो मैं एंट्री बनाऊंगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम। तो 60,000 रुपए रिजर्व के, 15,000 रुपए नुकसान के, टोटल मैंने क्लेम देना है 75,000 रुपए का। अब कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो तो पार्टनर ही बियर करेंगे, तो यहां पर जो 15,000 रुपए का नुकसान हुआ वो हम पार्टनर से चार्ज करेंगे, तो उनके अकाउंट में हम नुकसान को डेबिट करेंगे ओल्ड रेशो में। तो पी कैपिटल डेबिट, क्यू कैपिटल डेबिट, आर कैपिटल डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट 15,000 रुपए। यहां पर मैंने उनकी ओल्ड रेशो में इस 15,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जो भी रिवॉल्यूशन पे लॉस हुआ इस केस में वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हमने कर दिया। अगला वाला जो टॉपिक है वो मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब समझेंगे।